हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनाली और आप सबको मेरी इस ब्लॉग में स्वागत है। और मेरा ब्लॉग का नाम है यू एंड मी। आज का ब्लॉग है गोल्ड शॉपिंग का ब्लॉग। की शॉप में मेरा स्कीम चल रहा था और हर महीना मैं कुछ अमाउंट पे कर रही थी जो कि कंप्लीट हो गया है। एक्चुअली लास्ट मंथ ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन मैं वेट कर रही थी क्योंकि उसका 25 ईयर का कुछ ऑफर चल रहा है। ट्रेंड्स का आउटफिट है जो मैं शिल्पा राम से खरीद के लेकर आई थी, आप सबके साथ शेयर की थी। जो नया वाला ड्रेस था व्हाइट और पिंक कलर का, वो ड्रेस मैं पहन के रेडी हो गई हूँ और मैं एक बार आपको फोटो भी दे दूंगी, तो बताना मेरा ड्रेस कैसा है और क्या है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? अभी हम जा रहे हैं जोसो लुकास। मेरा क्रेडिट कार्ड खाली होने वाला है। स्कीम के बारे में थोड़ा बताओ। स्कीम तो आप हर रोज, हर महीने, हर साल करते हो, उसके बारे में आपको बताना है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पर। तभी आप सबको मैं दिखा सकती हूँ कहाँ पर है ये शॉप। यू टर्न हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। तो कौन लिया जोसो लुकास? नहीं नहीं, जोया लुकास, मेरा जोसा लुकास। हमारा जोसो लुकास है, जोया लुकास नहीं है। तुम्हारा जोया लुकास? जोस जोया लुकास जोसो लुकास। इधर है, किधर है, दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ पर है? गया आ गया, आ गया, थोड़ा अंदर है। यहाँ पूरा गोल्ड का शॉप से साइड में कनिष्क है, देख सकते हैं कनिष्क है। और बैक साइड में है ललिता ज्वेलर्स। तो चलिए चलते हैं हम लोग, बहुत लेट हो गया। एक्चुअली आज सन भी गई है, स्कूल उसका एग्जाम चल रहा है, तो हम लोग आ गए अकेले ही। अकेले तो नहीं, मम्मी, नंद के पापा और मैं।
आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। एक साल के बाद मैं गले की सफाई मम्मी का फेवरेट जगह है। मेरे पास 1 किलो का सोना है। एक्चुअली ये ब्लॉग सुबह से कंटिन्यू है। मैं तब आने के बाद मैं ब्लॉग भी नहीं बनाई थी क्योंकि हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे। आते आते हमें 3:10 कुछ हो गया था तो हम लोग लंच भी नहीं किए थे। तो लंच किए उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किए। अभी जाके फिर से मैं कैमरा ऑन की हूँ तो पहले मैं दिखा देती हूँ हमने क्या क्या फ्रूट का शॉपिंग किया। उसके बाद मैं गोल्ड का शॉपिंग भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो पहले तो ये है आज का फ्रूट शॉपिंग। पहले ये गुआवा जो कि मिल रहा था हमें 60 रुपीज़ किलो। उसके बाद ये लिए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं और इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो ये लिए हम किलो 70 था। और सबसे बेस्ट प्राइस हमें मिला ये कस्टर्ड एप्पल जो कि 2 किलो 100 रुपीज़ पे था तो हम लेकर आ गए। फिर आया हमारा ऑरेंज और ये एक पीस 10 रुपीज़ का था तो 100 का लेकर आए। और ये रहा एप्पल्स। फिर ये रहा छोटा वाला, ये सबसे महंगा मिला हमें पाओ किलो। ये सबसे महंगा मिला हमें पाओ किलो पाओ। और ये हमें सबसे महंगा मिला पाओ किलो 50 रुपीज़ में, लेकिन बहुत स्वीट है। और लास्ट में ये वाला अंगूर, ब्लैक अंगूर जो मुझे बहुत पसंद है। और लास्ट में ये वाला अंगूर, ब्लैक ऑफ गुड जो मुझे बहुत ही पसंद है। और ये आया 1/2 किलो 100 रुपीज़ में। तो ये रहा हमारा फ्रूट्स का शॉपिंग और ये हमारा 1 वीक का फ्रूट शॉपिंग हो गया। हमारा फ्रूट का शॉपिंग। एक्चुअली शाम को हम लोग बाहर का कुछ भी नहीं खाते, फ्राइड आइटम भी नहीं खाते। जो भी खाते हैं हम फ्रूट्स ही खाते हैं। तो हम चार लोगों की ये बस हो जाएगा। वहाँ कभी बाहर जाते हैं तो कैसे भी खा लेते हैं, लेकिन जनरली हम रोज फ्रूट्स ही खाते हैं इवनिंग में। तो ये रहा हमारा फ्रूट का शॉपिंग। ये रहा मेरा गोल्ड का चेन मंगलसूत्र। एक्चुअली मेरा ओल्ड का था। एक्चुअली मैं जो ओल्ड वाला पहन रही थी उसको एक्सचेंज करके ये वाला मैं लेकर आई। और ये 14 ग्राम का है, पास से दिखा देती हूँ। इसका डिजाइन ऐसा है। तो आज का शॉपिंग ब्लॉग यही था। और अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। और जो जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मेरा वीडियो जल्दी से जल्दी वायरल हो जाए। और आज का ब्लॉग इतना ही था। सो थैंक यू, बाय।